हेलो 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 बोल जी। हाँ जी नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, ठीक हो सारे? हाँ जी फटाफट से आ जाइए, जल्दी जल्दी। हाँ जी गुड इवनिंग सर, कैसे हो आप? बहुत बढ़िया, आप बताओ कैसे हो? है ना जल्दी से आ जाए करो फटाफट से, है ना क्लास अपने बिल्कुल, अगर एक मिनट भी चला जाता है ना तो यार ऐसे लगता है कि एक मिनट कैसे चला गया क्लास का, है ना। हाँ हाँ जी उपदरजीत सिंह जुड़ चुके हैं हमारे साथ, रितु सुलखनी श्री, है ना श्री, एक योजना भी स्टार्ट की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी हाल ही में टीचर्स डे पे 5 सितंबर को। पंकज जल्दी से जल्दी आ जाए फटाफट से। रोहित हाँ जी राम राम जी राम राम, जल्दी आ जाए फटाफट से और वीडियो को शेयर कर दो जितना जल्दी हो सके फटाफट से, है ना। बहुत ही शानदार क्लास, A1 क्लास रहेगी, आपको पता ही, आपको मैंने बताया था, वेटिंग फॉर यू। बिल्कुल जी, रमेश सिंह जुड़ चुके हैं हमारे साथ, सभी जुड़ चुके हैं धीरे धीरे। हाँ जी अर्शदीप गुड इवनिंग, चलो शुरू करें फिर क्लास को। देखो एक पेपर है अभी रिसेंटली, हाल ही में एग्जाम हुआ है, उस एग्जाम में आए क्वेश्चन है। देखो पेपर में काफी टफ क्वेश्चन है और इवन मान लो ये मान लो कि पीसीएस की मतलब पीसीएस की तर्ज की तरह एक पेपर है, ठीक है, काफी बहुत ज्यादा वीडियो और ऑडियो। ओके सर बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद भाई आपका, है ना। तो शुरू करें क्लास को। हाँ जी खुशबू गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग लिखा है, गुड इवनिंग हो गया मेरे साथ से, है मॉर्निंग का टाइम है क्या? चलो देखो पहले पहले क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ना और इतने मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप सोचोगे सर कौन सा पेपर में आएगा कौन सा नहीं आएगा। पहला क्वेश्चन है, विच आर द टू वुमेन हु आर इंक्लूडेड एज फर्स्ट टू कंपनी कमांडर बाय द इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस। कहता है भारत तिब्बत सीमा पुलिस द्वारा पहली बार दो महिला कमांडर के रूप में शामिल होने वाली दो महिलाएं कौन सी है, दो महिलाएं कौन सी? आपके सामने ऑप्शन है प्रकृति, निशा, प्रगति या दीक्षा। आपके सामने ऑप्शन है केवल पहली और दूसरी, केवल दूसरी और चौथी, पहली और चौथी या तीसरी और चौथी। जल्दी से आंसर दीजिए, बहुत ही गजब के क्वेश्चन है और साथ में वीडियो को लाइक करना मत भूलना, लाइक करते जाना फटाफट से। और मैं देखता हूं कि आपकी तैयारी मतलब किस लेवल की, आप में से कौन कौन बच्चे हैं जो मतलब आगे पीसीएस के लिए भी ट्राई कर सकते हैं। हाँ आंसर दो जल्दी से, सोच के आंसर देना, कंफ्यूज नहीं होना। ये प्रकृति है, ये निशा है, ये प्रगति है, ये दीक्षा है। हाँ डी आंसर है, सबसे पहले उपदरजीत सिंह का, मोम डेड का डी है, पवन का आंसर डी है, हैं मंदीप का आंसर डी। हाँ जी गुड इवनिंग गुड इवनिंग, डी डी आंसर आ रहा है, सभी का आंसर क्या आ रहा है, डी आंसर आ रहा है, टोटल बच्चों का आंसर डी आया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। किसी का और आ सकता है अभी डी के अलावा, डी डी पे जा रहे, कहीं आपको लगता है कि डी के अलावा भी कोई ऑप्शन हो सकता है? तो इसका राइट आंसर हमारे पास क्या है, इसका जो राइट आंसर हमारे पास है वो ध्यान से देखो, दो आंसर राइट है, एक हमारे पास निशा है और एक हमारे पास दीक्षा है। कौन है? निशा और दीक्षा, कौन है? निशा और दीक्षा हमारे पास राइट है। इसका आंसर मतलब दो और चार है, इसका मतलब आंसर क्या आएगा, बी आएगा, क्या आएगा, बी। अब जो बच्चे कहते हैं सर आप डिटेल में क्यों करवाते हो, संयुक्त राष्ट्र के प्रथम महासचिव कौन थे, त्रिगवेली थे, ठीक है। निशा और दीक्षा, निशा और दीक्षा ये दोनों बने, कौन बने, निशा और दीक्षा दोनों। अब क्या हुआ था देखो, इंडिया के अंदर 53 महिलाओं का एक मतलब अभी पेपर हुआ था जिसमें 53 महिलाओं को पहली बार इंडो तिब्बत में शामिल किया, किसमें शामिल किया गया, इंडो तिब्बत में शामिल किया, उसमें से दो महिलाओं को अभी हाल ही में कमांडर के रूप में ज्वाइनिंग मिली, एक का नाम निशा और एक का नाम क्या, दीक्षा, क्या नाम है, दीक्षा। अब बात करें आईटीबीपी की, आईटीबीपी की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1982 को, इसका हेडक्वार्टर कहां पे, न्यू दिल्ली में है, और इसके जो हेड है उनका नाम है एसएस देसवाल। एसएस देसवाल, अब कई आप में सोचेंगे कि सर हम कैसे जा सकते हैं, हैं कि सर हम कैसे मतलब वहां पे भाग लेने के लिए जा सकते हैं आईटीबीपी में, तो आपका जो एसएससी जो पेपर लेती है, क्या लेती है, एसएससी जो पेपर लेती है उसी के अंतर्गत बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, सीएपीएफ, है ना, ये सारी की सारी उन्हीं के द्वारा क्या होती है, ज्वाइनिंग है, उन्हीं के द्वारा ये रिक्रूटमेंट किया जाता है, एसएससी की भर्ती के थ्रू सारी की सारी ये ज्वाइनिंग होती है। तो राइट आंसर हमारा क्या आएगा, दो नंबर, क्या आएगा, दो नंबर, बिल्कुल। एक बार वीडियो को सबसे पहले सारे लाइक करो। हाँ जी गुड इवनिंग सर, हाँ जी वेरी गुड इवनिंग। हाँ बीएसएफ ने कैमल यूज किया, बिल्कुल किया, अभी कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। देखो क्वेश्चन आपके सामने निहायत ही टफ क्वेश्चन आएंगे, मैं पहले ही बोल देता हूँ, घबरा के छोड़ के नहीं जाना क्लास को, जो क्लास को छोड़ के जाएगा शायद बहुत कुछ मिस कर जाएगा। हाँ वीडियो को फटाफट से एक बार है
लाइक कर दो। 1982 में सर क्या हुआ था, नाबार्ड की स्थापना हुई थी, किसकी, नाबार्ड की। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। आपको पता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच करतारपुर कॉरिडोर है ना, जो अमृतसर से खोला गया था करतारपुर कॉरिडोर, जो कि भारत में एक बहुत ही अच्छी पहल की थी भारत सरकार द्वारा। तो कहता है करतारपुर कॉरिडोर के बारे में आपको जानकारी दी गई, आपको चार पॉइंट दिए गए, आपको बताना है किसमें से कौन सा सही है, कौन सा सही। मुझे पता है कि बच्चे बहुत सारे क्लास छोड़ जाएंगे, लेकिन मैं कहता हूं वो आखिर वही जीतेगा जो लास्ट तक क्लास में बना रहेगा। क्या लिखा है देखो, कहता है इट कनेक्ट डेरा बाबा नानक साइरिन इन गुरदासपुर टू करतारपुर साहिब गुरुद्वारा इन पाकिस्तान। कहता है गुरदासपुर में डेरा बाबा नानक तीर्थ को पाकिस्तान में करतारपुर साहिब गुरुद्वारे से जोड़ता है, ठीक है। दूसरा, इट प्रोवाइड ट्रेड रूट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, यह भारत और पाकिस्तान के बीच व्यापार मार्ग देता है, गलत। तो तीसरा देखो, कहता है यह सीमा पार आतंकवादी गतिविधियों की जांच करने में मदद करता है। और चौथा ऑप्शन है, यह भारतीय श्रद्धालुओं को बिना वीजा के गुरुद्वारा जाने की अनुमति देता है। आपके सामने ऑप्शन, आपके सामने आपका दिमाग इस्तेमाल करना है और उसके बाद आपने बताना है कि आंसर सी क्या होगा। उसके बाद आपने बताना है, किसी की कॉपी पेस्ट नहीं करना, क्योंकि कॉपी पेस्ट से यहां पे कुछ भी होने वाला नहीं है, यहां पे आपका दिमाग काम करेगा। अगर आपने क्वेश्चन को डिटेल में पढ़ा है तो आपका आंसर सही होगा, नहीं तो आपका आंसर किसी भी हालत में सही नहीं होगा। हाँ, नहीं तो किसी भी हालत में आपका क्वेश्चन सही होने की कोई संभावना ही नहीं है। तो देखो, देख लेते हैं अभी क्या आंसर होगा आपके सामने। ये क्वेश्चन था तो बिल्कुल सही है कि पाकिस्तान में करतारपुर साहिब गुरुद्वारे से और गुरदासपुर में डेरा बाबा नानक जी के तीर्थ को जोड़ता है, सही है ये तो। दूसरा, पाकिस्तान के बीच व्यापार, बिल्कुल भी व्यापार का काम ही नहीं है यहाँ पे, व्यापार का कहीं पर भी 1% भी बात नहीं हुई व्यापार, क्योंकि अपने ये मनमोहन सिंह जी भी थे उस टाइम, है ना, कहीं पर भी व्यापार की कोई बात नहीं, ठीक है। कहता है आतंकवादियों की गतिविधियों जांच करने में बिल्कुल 1% भी मदद नहीं करेगा, 0% जीरो मदद करेगा, 0% आतंकवादियों का तो कोई दूर दूर तक लेना देना ही नहीं है। इट अलाउ इंडियन डिवोटी टू विजिट गुरुद्वारा विद ए वीजा विदाउट ए वीजा, कहता बिना वीजा के, ये बिना वीजा के आपको सीधा कहां भेज देगा, गुरुद्वारा साहिब के दर्शन करने के लिए भेज देगा। तो राइट आंसर हमारे पास क्या होगा, पहला सही है और चौथा सही है। और मुझे अच्छा लगा कि आप में से बहुत सारे बच्चों का आंसर सही है, तो एक बार उनके लिए क्लैपिंग बनते, क्योंकि ये क्वेश्चन इजी क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन वो नहीं है कि जो चंपू क्वेश्चन हो, इसको बोलते हैं पेपर, ये जो आपके सामने आता है ना, इसको बोलते हैं पेपर। और इस पेपर को वही कर पाता है जिस बच्चे ने डीप अध्ययन किया हो, है ना, जिस बच्चे ने डीप में अध्ययन किया हो वही बच्चा बोलता है, ठीक है, उसी का आंसर ये क्या होगा, सही होगा। चले आगे, हाँ, ये तभी तो मैं कहता ना कि धैर्य बनाए रखना है, बिल्कुल आपने धैर्य बनाए रखना है, 1% भी जल्दबाजी नहीं करनी है। क्वेश्चन का लेवल आप धीरे धीरे देखते जाना कि कैसा आपका दिमाग, आज तो दिमाग के जंग लगा रहा है, वो दिमाग काम करना शुरू कर देगा, है ना, एक रासायनिक परिवर्तन होता है लोहे के जंग लगना। चले आगे, अगला कहता है अमंग द फॉलोइंग विच सिटी आर कैपिटल ऑफ साउथ अफ्रीका, कहता है इनमें से कौन सी साउथ अफ्रीका की राजधानी है। आपके ऑप्शन है ब्लोमफाउंटेन, जोहानसबर्ग, डरबन या कैपटाउन, और ऑप्शन आपके सामने नीचे दिए, अपना दिमाग लगाइए और आंसर दीजिए। हाँ, फटाफट से दिमाग लगाओ और आंसर दो क्या आएगा। हाँ, जल्दी से आंसर दीजिए फटाफट से। अगर आपको लगता है कि क्लास में ये क्वेश्चन जबरदस्त है तो वीडियो को लाइक करते जाओ, शेयर करते जाओ फटाफट से। अमनदीप सिंह का सबसे पहले आंसर आया हमारे पास सर डी होगा, ठीक है। महल का आंसर है सर डरबन, हरदीप का आंसर है सर डी, जग्गा डाकू ने कहा सर सी होगा, दिलजोत ने कहा सी होगा, सरोज का सी है, बाकी सबका सी है, संदीप का आंसर डी आया है, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। देखो भाई, क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, क्या है, नथिंग एल्स, कुछ भी नहीं है, लेकिन क्वेश्चन आपके लिए टफ क्यों बन गया, क्योंकि क्वेश्चन में चार ऑप्शन दे दिए। दक्षिण अफ्रीका की तीन राजधानियां थी, एक ब्लू फाउंटेन, एक कैपटाउन, कौन सी, कैपटाउन, और तीसरी यहां पे दी हुई नहीं है, तीसरी यहां पे
डी वी नहीं है हमारे पास में, तो राइट आंसर हमारा होगा एक और चार। इसका मतलब डी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। जिसने तीन आंसर दिया उसने अभी तक उसको साउथ अफ्रीका की कैपिटल भी याद नहीं है। जिसने तीन नंबर ऑप्शन दिया ना उसको अभी साउथ अफ्रीका की कैपिटल भी याद नहीं है, क्योंकि यहां पे एक और चार ही सही होगा। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन क्या आएगा, डी आंसर आएगा। क्या आएगा, डी। चंपू नहीं, जसप्रीत कह रहे सर चंपू, चंपू नहीं, आगे चंपू के पिताजी भी आएंगे। हाँ है ना, इजी क्वेश्चन नहीं है पेपर, क्वेश्चन बहुत इजी था, क्वेश्चन कुछ भी नहीं था, 1% भी कुछ नहीं था, लेकिन जब क्वेश्चन में चार ऑप्शन दे दिए और ये जो ऑप्शन सेट कर दिए ना, अपने को लगा यार क्वेश्चन तो बहुत कुछ हो गया, क्वेश्चन है बहुत कुछ हो गया, लेकिन क्वेश्चन कुछ भी नहीं था, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। आंसर क्या आएगा, डी। क्या आएगा, डी। हाँ, तीसरी कैपिटल थी प्रिटोरिया। क्या थी, प्रिटोरिया थी, लेकिन एक्चुअल में क्या हुआ था, एक्चुअल में प्रिटोरिया ऑप्शन में नहीं था। क्या नहीं था, ऑप्शन में नहीं था सर, केप टाउन पता था। तो ये ब्लू फाउंटेन कब याद करोगे दोस्तों, ये पेपर जिस सरकार ने बनाया उसके लिए क्लैपिंग करनी चाहिए, और ये पेपर बनाया है हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने। किसने बनाया है, हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने ये पेपर बनाया है, और पेपर का लेवल आप देखते जाना आगे कैसा आएगा। चला आगे, हाँ क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, आपके सामने दिया है कि इंडिया सेंट्रल एशिया समिट 2022, ये जनवरी के अंदर हुआ था। कब हुआ था ये, अभी हाल ही में जनवरी 2022 में एक समिट हुआ था, उसके बारे में आपको कुछ लाइनें दी गई है। पहला कहता है दिल्ली में अपना सचिवालय स्थापित करने पर सहमत हुए कौन से देश, एक तो भारत और मध्य एशिया देश आपस में समझौते पर सचिवालय स्थापित करने पर सहमत हुए हैं। दूसरा कहते हैं वे पाकिस्तान के जरिए कनेक्टिविटी विकसित करना चाहते हैं, और तीसरा क्या तीसरा कहता है वे अफगानिस्तान में विकास की निरंतर निगरानी के लिए संयुक्त कार्य समूह की स्थापना करते हैं, और चौथा कहता है वे पाइपलाइन के माध्यम से भारत को गैस प्रदान करने पर सहमत हुए हैं। जल्दी से आंसर दीजिए। हाँ एसबी एग्जाम, मनदीप कौर कह रहे सर एसबी मेंस के अंदर जो तो पेपर आता है ना एसबी का, वो टीसीएस ही लेती है, और ये पेपर इसी टाइप का आएगा, पूरा एकदम डेप्थ में पढ़ा होगा ना तभी आंसर आएगा। हाँ जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए, क्या आंसर आएगा, और दिमाग आपने लगाना है, दिमाग का इस्तेमाल करना है। और इन क्वेश्चनों में आपको हमेशा पॉजिटिव सोचना है, क्या सोचना है, इन क्वेश्चनों में हमेशा ही आपने पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव सोचोगे तो आपका राइट आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा, और हमारा राइट आंसर क्या है, बी ऑप्शन सही है। क्या है, बी ऑप्शन सही है, पहला और तीसरा। यानी पहली बात तो यह है कि वे नई दिल्ली में अपना सचिवालय स्थापित करने पर क्या हो गए हैं, सहमत हो गए, क्या हो गए हैं, सहमत है हो गए हैं, और दूसरा क्या है, दूसरा यहाँ पे सही है, क्या वे पाकिस्तान के जरिए कुछ भी नहीं ऐसा कोई, वे अफगानिस्तान में विकास की निरंतर निगरानी के लिए संयुक्त कार्य समूह की स्थापना करना चाहते हैं, ये दोनों बातें हुई थी। और ये सम्मिट कब हुआ था, तो ये सम्मिट हुआ था 27 जनवरी 2022 को नई दिल्ली में। सताईस जनवरी 2022 को ये समिट कहां पे हुआ था, न्यू दिल्ली में। और जो सेंट्रल एशिया, इसमें कितने देश होते हैं, इसमें टोटल 11 देश होते हैं, लेकिन पांच प्रमुख माने जाते हैं, कितने माने जाते हैं, पांच प्रमुख देश इसमें माने जाते हैं, पांच है इसमें प्रमुख है माने जाते हैं। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, बी होगा। क्या होगा, बी हमारा राइट आंसर होगा। एक बार फटाफट से वीडियो को लाइक करो। देखो मेरे को पता था कि बच्चे बहुत कम होंगे, क्योंकि टफ कोई काम, कोई टफ काम हर किसी के काम बस का नहीं होता, हर कोई नहीं कर पाएगा टफ काम को। हाँ अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज ट्रू अबाउट कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। जिस प्रकार से सीटीबीटी होता है उसी प्रकार से एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है सीएसटीओ। कहता है सीएसटीओ के बारे में क्या सच है, अब सच वही बता पाएगा जिसको सीएसटीओ के बारे में सारी जानकारी होगी। बताओ जल्दी से जल्दी क्या आंसर आएगा।
जल्दी तो आंसर क्या आएगा। हाँ थोड़े टफ क्वेश्चन आए हैं अभी, थोड़े थोड़े इजी भी मैं आपके सामने लेके आऊंगा, लेकिन आपने आंसर तो दो कम से कम। परनवीर कह रहे सर क्वालिटी चेक ते नाल नेट भी सारा चक्का जाना, तो नेट को क्या करना है, नेट का काम क्या, चक्के जाना, नेट तो क्लास में लगेगा और कहां लगाना है। सी आंसर है सी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। भी जिस बच्चे का आंसर सी आया बहुत ही बढ़िया, राइट आंसर हमारे क्या सी। देखो जैसे होता है ना भारत में सीटीबीटी है, नाटो है ना, जैसे यूनाइटेड स्टेट मैक्सिको और कनाडा का यूएसएमसीए है, उसी प्रकार से क्या है, उसी प्रकार से अपने बात करें तो एक संस्था है जिसका नाम है सीएसटीओ। ये किसने बनाई थी, ये रशिया ने बनाई थी अपनी रक्षा करने के लिए, किसने, रशिया ने अपनी रक्षा करने के लिए बनाई थी सीएसटीओ। तो इसमें क्या क्या सही होंगे, दो ही सही है। इसकी उत्पत्ति 1992 में रूस और कुछ मध्य एशियाई राज्यों द्वारा हस्ताक्षरित सामूहिक सुरक्षा संधि में हुई थी, और दूसरा ऑप्शन है इट इज रशिया लीड मिलिट्री अलायंस टू प्रमोट कलेक्टिव डिफेंस फॉर इट्स मेंबर्स। कहता है ये अपने सदस्यों के लिए सामूहिक रक्षा को बढ़ावा देने के लिए रूस के नेतृत्व वाला सैन्य संगठन है। द मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लेना, जितना नाटो इंपोर्टेंट है ना उतना ये सीएसटीओ भी इंपोर्टेंट है, और इसका हेडक्वार्टर कहां पे है, मॉस्को में। कहां पे इसका हेडक्वार्टर है, मॉस्को में। कहां पे है, मॉस्को में। आज सारे के सारे ठीक हो रहे हैं, चलो आगे अगला क्वेश्चन। कहते हैं अभी व्हाट इज द इंपॉर्टेंट अबाउट रशिया इंडिया चाइना फॉरेन मिनिस्टर मीट इन सितंबर 2021। कहता है सितंबर 2021 में रूस भारत चीन के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई, इस बैठक में क्या क्या निर्णय लिए गए, और निर्णय वही पता होगा जिसने डिटेल में पढ़ा होगा, वन लाइनर से निर्णय नहीं आते हैं। बताओ सोचो कि आपके ये न्यूज दिमाग में थी या नहीं थी कभी। देख लो अब कितने पीसीएस तुक्का लगा रहे हैं सर, सच्ची नी आउंदे क्वेश्चन आज, तुक्का ही लगाओ, मुझे पता नहीं, मैंने पहले ही बोला था कि क्वेश्चन आपको नहीं आएंगे, लेकिन कम से कम आप देखो तो सही पेपर में क्वेश्चन किस टाइप के भी आ सकते हैं। लो और जूम कर दिया, पेपर बिल्कुल यूपीएससी लेवल का, मैंने पहले ही बोला पेपर यूपीएससी लेवल का ही है, ठीक है। हाँ सुमीर सर हमारे साथ जुड़ गया, बोलते सर बढ़िया, देखो बढ़िया, मैं थोड़ा सा ये पेपर इसलिए लेके आया हूँ, थोड़ा सा आपको, आप में से कई कहते सर हम यूपीएससी की तैयारी के लिए जाना चाहते हैं, तो कहता है इसके बारे में सही क्या, पहला तो ये है कि इट इज द 18th फॉरेन मिनिस्टर मीट वर इंडिया बिकम इट्स चेयरमैन। कहता है ये 18वीं विदेश मंत्री बैठक थी जहां भारत इसका क्या बना था, अध्यक्ष बना, क्या बना, भारत इसका अध्यक्ष बना था। और दूसरा कहता है इसका उद्देश्य तीन राज्यों के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत करना था, बिल्कुल सही है, क्योंकि तीन ही तो देश है रशिया इंडिया और चाइना, यह भी बिल्कुल क्या था, स्टेटमेंट सही था। कहता है इट वाज कनेक्ट इसकी कल्पना 1998 में तत्कालिक रूसी विदेश मंत्री येवगेनी पिरामकोव ने की थी, गलत है, और यह भी क्या गलत है, क्योंकि इसके अफगानिस्तान ने शांति परिषद का इसमें कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं था। एक नंबर आंसर हमारा क्या सही होगा, एक नंबर आंसर हमारा क्या होगा, बिल्कुल है सही होगा। जो बच्चे इस टाइम जितने भी 100 बच्चे भी जुड़े हुए ना, ये बच्चे रियल में पढ़ना चाहते हैं, इनका रक्स रक्स टारगेट रियल में कुछ लगने का है, हैं? बाकी ये सोचते हैं सर हमारे को तो वन लाइनर से पता करवा दो, क्या होगा, कुछ नहीं बनेगा। अगला देख लो, ये क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन हैंडीक्राफ्ट
हैव जीआई स्टेटस, कहता है इनमें से किसको भारत में जीआई टैग मिला हुआ है। आपके सामने ऑप्शन है सलेम फैब्रिक, मैसूर की सिलक, कुल्लू के सोल, उड़ीसा के सोल, किस किस को जीआई टैग मिला हुआ है। जल्दी से आंसर दीजिए फटाफट से, किस किस को जीआई टैग मिला हुआ है। जल्दी से आंसर दो, इस पे तो आंसर दे ही सकते हो कि किस किस को मिला हुआ है। जस ने आंसर दिया सर डी होगा, रीना का आंसर डी है, मनदीप का डी है, गगनदीप का आंसर डी डी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई, और ये आपने कतई शानदार तुक्का लगाया, लेकिन आप सभी का आंसर क्या हो गया, सही हो चुका है, डी सही है। ये जो सलेम है ना, ये कहाँ की जगह है, तमिलनाडु की है, ठीक है। ये जो मैसूर है, ये कहाँ तक, कर्नाटक में है। कुल्लू, कुल्लू मनाली हिमाचल प्रदेश, और ये कहां का, उड़ीसा। इन चारों को क्या मिला है, जीआई टैग मिला है। इन चारों को क्या मिला है, जीआई टैग, इनको चारों को मिला है। इनको चारों को क्या मिला है, जीआई टैग मिला हुआ है। और जीआई टैग देता कौन है, ये जीआई टैग देता है कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्टर के अंतर्गत है। कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्ट्री के अंतर्गत ये देता है, कौन देता है, ये देता है इंडस्ट्री प्रमोशन एंड इंटरनल ट्रेड। चलो ये तो बता दो कि सबसे पहले जीआई टैग किसको मिला है। पहले ये तो बता दो कि सबसे पहले किसको मिला है। सबसे पहले आपको पता होगा 2004 और 2005 के अंदर किसको मिला था, दार्जिलिंग चाय को मिला। और ये कहां की है, वेस्ट बंगाल की। और जीआई टैग कितने साल के लिए मिलता है, 10 साल के लिए मिलता है। जीआई टैग की शुरुआत सबसे पहले कब होती है, WTO द्वारा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइज द्वारा 2003 में इसकी शुरुआत की जाती है। कब है, 2003 में इसकी शुरुआत की जाती है। असम में सबसे ज्यादा, भारत में क्या होती है, चाय होती है। क्या भारत, असम में, भारत में सबसे चाय का उत्पादन होता है। और चाय, असम की बात करें तो असम की जोहराउट को क्या बोलते हैं, टी कैपिटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टी कैपिटल। ये तो इसके लिए तो एक क्वेश्चन सही हो, इसके लिए तो अपने लिए क्लैपिंग कर लो आप। फाइनली आपका एक क्वेश्चन क्या हो गया, सही हो गया है। हाँ, पंजाब की फुलकारी को जम्मू कश्मीर में सैफरोन बोलते हैं, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन ये रहा, आपको चार ऑप्शन दिया, आपको चारों को मिलाना, और मिलाने में तो आप बहुत है इंटेलिजेंट हो, मिलाने का तो, मिलने और मिलाने में तो टाइम ही नहीं लगाते हो आप, मिला दो जल्दी जल्दी। हाँ, WTO के प्रेसिडेंट है नगोजी ओंकोजा इवीएला, जसप्रीत, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। WTO का हेडक्वार्टर जिनेवा में, बिल्कुल सही है। जल्दी से आंसर दो सर, क्वेश्चन क्लियर नहीं दिख रहा, आंसर केवे देवा। अच्छा, जो और संदीप कुमार जी और जो आंसर दे रहे हैं, कैसे दे रहे हैं बताओ आप है? अब इससे क्लियर तो ये घर पे भेजें क्या क्वेश्चन को? चलो कोई बात नहीं, क्लियर आपको दिखाने की पूरी कोशिश करेंगे, क्लियर। लो मिला दो जल्दी से जल्दी फटाफट से, मिला सकते हो तो। स्किप करेंगे सर, स्किप करेंगे, मिलाओ तो सही। गई पानी में भैंस है, मेरे को लगता है भैंस के साथ साथ है भेड़ बकरी मगरमच्छ सब गए आज है।
कोई बात नहीं, टफ है लेकिन करना तो पड़ेगा यार, टफ को करने में तो मजा आता है। राइट आंसर इसका क्या, दो नंबर। देखो ये सारे के सारे भारत को जो कलेक्शन होता है जीएसटी का, जीएसटी के साथ साथ जीएसटी का होता है, स्टेट एक्साइज का होता है, वैल्यू एडेड टैक्स होता है, पैसेंजर एंड गुड्स टैक्स, ये क्या हो, एक रिपोर्ट जारी की थी भारत के फाइनेंस मिनिस्टर ने संसद में। कब है, संसद में 2022 में एक रिपोर्ट जारी की थी। उस रिपोर्ट में उन्होंने डाटा दिया था कि हमको इतना इतना कलेक्ट हुआ, हमारे को इतना इतना कलेक्शन हुआ है। तो राइट आंसर क्या आएगा हमारा, बी आएगा। क्या आएगा भाई, बी। क्या आएगा, बी आंसर हमारा बिल्कुल है, राइट आंसर हो जाएगा। हाँ जीएसटी मैक्सिमम होगा बिल्कुल, लेकिन जीएसटी यहाँ पे मैक्सिमम हुआ क्या आपका, बिल्कुल आप सही, बिल्कुल। एक बच्चे ने बहुत अच्छा कि सर ये जीएसटी का तुक्का मार देते तो भी सही होता, तुक्का मारने के लिए दिमाग से, दिमाग का दही बन गया आज तो। कोई बात नहीं, दही बना है, अब आपको इसका लस्सी बन जाएगी, क्योंकि क्वेश्चन आपके सामने आ गया है और बहुत ही अच्छा है। दही में कौन सा अम्ल होता है, लैक्टिक एसिड होता है ना। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि दही में कौन सा एसिड होता है, तो लैक्टिक एसिड होता है। कौन सा होता है, लैक्टिक, क्योंकि इमली में कौन सा होता है, साइट्रिक एसिड होता है। जल्दी आंसर दो, फटाफट से आंसर दिया करो आप, तेज तेज आंसर दिया करो। मेरी भैया साइंस इंप्रूव हो रही है, इसी का मैडम की क्लास लगाता हूं मैं भी। हाँ जल्दी दो आंसर, ये तो यार थोड़ा सा दिमाग लगाओगे ये क्वेश्चन तो होने वाला है। हाँ बताओ बताओ बताओ, सी सी आंसर आ रहा है। चलो सी आंसर तो आने लगा है, सी आया उपदरजीत का, जसप्रीत ने कहा सर सी होगा, रीना ने कहा सर बी, शेफाली का सी आंसर है। फास्ट मत करो, फास्ट करने वाला काम ही नहीं, बिल्कुल धीरे चलेंगे, आप घबराओ ना, फास्ट कहाँ जाना है। और मेरे को अच्छी बात लगी, एक तो गुरप्रीत का सही है और एक हमारे पास आंसर सही आया अजयपाल सिंह का, और एक है सेशन दीप सिंह का, और किंग ने सही दिया है। तो वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई, एक नंबर हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। क्यों, देखो एक नंबर राइट होगा। देखो जो रघुराम राजन जी थे, ये आरबी के गवर्नर भी रह चुके हैं, ठीक है। इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसमें भारत की कंडीशन के बारे में बताया था, इन्होंने लिखी थी आई डू व्हाट आई डू, है ना, ये बहुत फेमस इनकी बुक थी, आई डू व्हाट आई डू। तो आई डू व्हाट आई डू, डी के सामने एक आएगा, तो डी के सामने एक अपने को, यहां से ये भी कट गया, अब यहां से ये भी कट गया। अब एक बुक थी नारायण मूर्ति की, है ना, नारायण मूर्ति, नारायण मूर्ति की अगर बात करें तो जो ऋषि सुनक है वो नारायण मूर्ति के क्या, दामाद है, ठीक है। हाँ जो अभी हाल ही में पीएम बने अपने कहां के, इंग्लैंड के, वो इनके दामाद है, क्या इन्हीं के दामाद है। तो एन नारायण मूर्ति, इन्होंने एक बुक लिखी थी, ये बहुत फेमस बुक थी, कि ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड, ए बेटर इंडिया और ए बेटर वर्ल्ड। कपिल सिब्बल की बुक कौन सी थी, कपिल सिब्बल की बुक थी आई विटनेस पार्शियल ऑब्जर्वेशन, और किरण बेदी की बुक थी डेयर टू डू फॉर द न्यू जनरेशन, है ना। तो राइट आंसर हमारे पास क्या आएगा, एक नंबर आएगा, जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो, चारों की चारों बुकें बहुत इंपॉर्टेंट है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, चारों की चारों बुकें बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं एक बार जल्दी कमेंट करो, कहीं ऐसा तो नहीं नींद आ रही है। अगला देख लो, फिर चार बंदे दिए हैं और चारों को आपने मैच करना है। चार बंदे दिए हैं और चारों को आपने क्या करना है, मैच। वाह जी वाह, अजय तक सारे सही है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई। अब देखो चार है, आपने थोड़ा दिमाग लगाना है तो आप इस क्वेश्चन को कर दोगे। हाँ क्योंकि इनमें एक दो का नाम आपने 100% सुना होगा, और अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा।
और ये सारे के सारे व्यक्ति 2022 में चर्चा में थे, क्योंकि कईयों को पद्म विभूषण मिला था और कईयों को पद्म भूषण मिला था। देखते हैं किसका दिमाग चलता है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई। इसका जो राइट आंसर हमारे पास क्या आएगा, इसका राइट आंसर हमारे पास आएगा डी। क्या आएगा? डी। डी फॉर डेवलपमेंट। क्या आएगा? डी फॉर डेवलपमेंट आएगा डी आंसर हमारा। बिल्कुल, देखो आपने किसी का नाम नहीं सुना होगा, लेकिन आपने एक नाम जरूर सुना है, गुलाम नबी आजाद। ये जम्मू कश्मीर से है और ये एक राजनेता से है। किससे है? एक राजनेता से। किससे है? एक राजनेता से। इसका मतलब गुलाम नबी आजाद जब राजनेता है तो क्या वो लिटरेचर हो सकते हैं? कभी नहीं हो सकते। क्या वो ट्रेड से हो सकते हैं? नहीं हो सकते। आर्ट से हो सकते हैं? नहीं हो सकते। लीडर का काम क्या होता है? पब्लिक का काम करना। तो ये पब्लिक अफेयर आएगा। क्या आएगा भाई? ये पब्लिक अफेयर आएगा। क्वेश्चन को कैसे करते हैं देखो, गुलाम नबी आजाद है, ये क्या एक लीडर, आपको पता है पॉलिटिशियन रहा है। क्या रहा है? एक पॉलिटिशियन रहा है, और पॉलिटिशियन है इसका मतलब ये पब्लिक का काम करेगा। तो तीसरे नंबर के सामने दो नंबर आएगा, तो तीसरे के सामने दो नंबर आएगा, तो ये भी कट गया आपका और ये भी कट गया, ये भी कट गया और आपका दोनों कट गए। अब आपके सामने आते हैं एन चंद्रशेखर। इनका नाम बहुत चर्चा में रहते हैं, क्यों भी ये टीसीएस के हेड थे पहले, और जो एयर इंडिया थे उसके भी हेड ये बने थे, एन चंद्रशेखर। क्या बने थे? एन चंद्रशेखर। इसका मतलब ये किससे संबंधित होंगे? ये ट्रेड और इंडस्ट्री का काम करेंगे। तो बी के सामने थर्ड आ जाएगा, तो बी के सामने थर्ड आ जाएगा, तो ऑप्शन आपके सामने फिर बिल्कुल पेपर वाले ने घुमा दिया। फिर ये आ रहा है, क्या रहा है? फिर यही अपने पास से आ रहा है, लेकिन आपका जो राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। क्या होगा? गुलाम को मैंने आर से जोड़ दिया, समझी? गुलाम को आर से जोड़ दिया, तो बहुत गलत जोड़ दिया। गुलाम नबी आजाद एक बहुत ही फेमस प्रभा अत्रे प्लेयर है कि नहीं जी? प्लेयर नहीं है, ये संबंधित है। किससे? प्रभा अत्रे। ये आर से संबंधित है। किससे है? आर से। और जो राधेश्याम खेमका है, ये एक बहुत ही फेमस जर्नलिस्ट है। क्या एक फेमस है? जर्नलिस्ट है। तो इनको मिला लिटरेचर और एजुकेशन के लिए, और जो प्रभा अत्रे थे इनको मिला था पद्म विभूषण 2022 में। क्या मिला था इनको? पद्म विभूषण मिला था। और राधेश्याम खेमका है, इनको भी 2022 का पद्म विभूषण मिला, सात व्यक्तियों को मिला था। ठीक है, तो पद्म विभूषण 7 को मिला था, पद्म भूषण 17 को मिला था, और पद्म श्री 107 को मिला। और पद्म, अगर बात करें पद्म भूषण में, तो एकमात्र ऐसा प्लेयर था ओलंपिक में जिन्होंने भारत के लिए मेडल जीता, देवेंद्र जाजड़िया, उनको भी अवार्ड मिला था। ठीक है, अब फिर आपके सामने चार बंदे आ गए हैं, मिला दो जल्दी जल्दी। जब पीस अब पेपर होता है ना, तो यूपीएससी का, उसका पेपर दे के आने के बाद में आपको 4 घंटे तक नींद आ जाएगी, कम से कम आप ये मान लो 4 घंटे तक है पेपर देने के। आप जब पेपर दे के आओगे ना यूपीएससी का, तो 4 घंटे तक आपका दिमाग ऐसे हो जाएगा कि आप पता नहीं क्या ही हो गया, पता नहीं क्या ही हो गया, क्योंकि जो यूपीएससी का पेपर आता है ना वो ऐसे इतना इजी नहीं होता। नाम है यूपीएससी, हालांकि ये यूपीएससी का पेपर नहीं है, ठीक है, लेकिन उसी मुकाबले का पेपर है ये। आंसर दो, देखते हैं तुक्के आप किस लेवल तक लगाते हो। बिल्कुल बिल्कुल, मनोज सोनी इसके यूपीएससी के हेड है, बिल्कुल है ना। तो देखो, एक नाम तो आपने 100% सुना है। क्या सुना है भाई?
एक नाम आपने अभिजीत बनर्जी सुना है, सुना है ना, क्योंकि 2021 का इनको इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज मिला था। किसका मिला था? इकोनॉमिक्स को इनको नोबेल प्राइज मिला था इनकी पत्नी अस्तर डुल्लू के साथ में, ठीक है। तो इसका मतलब अभिजीत बनर्जी किससे, इकोनॉमिक्स से संबंधित था। 2021 में इनको क्या मिला था? नोबेल पीस प्राइज मिला था। तो अभिजीत बनर्जी के सामने आ जाएगा इकोनॉमिक्स, यानी दो के सामने एक आएगा, तो दो के सामने एक आएगा तो बी के सामने क्या आएगा? ए नंबर। तो ये भी कट गया और ये भी कट गया, ये दो तो क्या हो गए, कट गए अपने, ये दोनों क्या हो गए, कट गए। अब ये दोनों कट गए, इसका मतलब और देख लेते हैं अपने। अब एक नाम अब आपने सुना है, हरगोविंद खुराना। क्या? हरगोविंद खुराना सुना है, और इनका संबंध किससे था? केमिस्ट्री से। किससे संबंध था इसका? हरगोविंद खुराना का संबंध केमिस्ट्री से था, और इनको 1968 में नोबेल प्राइज भी मिला था। इसका मतलब सी के सामने थर्ड आ जाएगा, तो सी के सामने थर्ड आ जाएगा तो अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। क्या हो जाएगा? बी। क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर है बी। वेरी गुड, बहुत है वेंकी सर, बायोलॉजिस्ट मेडिसिन है, बिल्कुल किंग, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। अगला देखो, अब ये क्वेश्चन तो आपका गलत किसी भी हालत में नहीं होना चाहिए। अब इसको तो अगर ये किसी का गलत होता है, इसका मतलब उसने तो उसको तो बिल्कुल किसी प्रकार का कोई नॉलेज है ही नहीं। ये इस पेपर का सबसे इजी क्वेश्चन है, ये इस पेपर का सबसे इजी क्वेश्चन है। अगर ये किसी का गलत होता है, इसका मतलब है उसका तो भी थोड़ा दिक्कत आएगी। हाँ, ये सारे के सारे खिलाड़ी भारत में ओलंपिक से रिलेटेड है, और सारों ने भारत के लिए पदक जीता है। आज ये थोड़ा सा बैकग्राउंड थोड़ा सही नहीं है, कल से ब्लैक ही रखेंगे अपने। तो वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इसका राइट आंसर क्या आएगा? बी, बी फोर है, बॉय है। अब इसका आंसर क्या आएगा देखना पड़ेगा। देखो, मीराबाई चानू का नाम तो सबने सुना, चलो छोड़ो ये नहीं सुना, ये तो सुना है पीवी सिंधु, तो भारत के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीता ओलंपिक में, और भारत की एकमात्र महिला जिसने लगातार दो ओलंपिक में भारत के लिए मेडल जीते। तो पीवी सिंधु का खेल कौन सा है? बैडमिंटन। तीन के सामने दो, लो तीन के सामने दो, ये भी गया। चलो जी, आप भी चलो रेस्ट करो, सभी का सही है, सारों के लिए मैं क्लैपिंग करता हूं, बहुत बढ़िया। एक का गलत है लेकिन नाम नहीं लूंगा, कोई बात नहीं, उन्होंने बोल दिया सर मेरे से गलती हो गई है। हाँ, इसके बाद देखो, ये नाम आपने सुना है, मीराबाई चानू। क्या कौन नहीं सुना? भारत के लिए पहला मेडल जीता था ओलंपिक में, सिल्वर मेडल जीता वेट लिफ्टिंग में, यानी एक के सामने तीन आएगा तो एक ही ऑप्शन बनता है, क्या? बी नंबर बनता है। क्या बनता है? बी नंबर। अब जब आप कहते हो ना सर आप डिटेल में क्यों करवाते हो, इसीलिए करवाते हैं। ये पेपर आपको मैं इसीलिए लेके आया था कि आपको इसलिए लगे, आपको ऐसा न लगे कि डिटेल में हम क्यों कर रहे हैं, डिटेल में हमें क्यों कर रहे हैं। अभी तक भी देखो आपने लाइक नहीं किया है। अब ये मीराबाई चानू, ठीक है, लवलीना बोरगोहेन ने 69 केजी में भारत के लिए मेडल जीता था। इनका खेल कौन सा था? रेसलिंग था, और इनको अभी हाल ही में इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन में एक एथलीट मेंबर के रूप में चुना गया। और भाई साहब रवि कुमार दहिया कौन भूल सकता है, 57 केजी में भारत के लिए मेडल जीता सिल्वर, तो सिल्वर जीता, इसका मतलब इनका संबंध किससे था? बॉक्सिंग से। किससे था? बॉक्सिंग से था, है ना, किससे था? बॉक्सिंग से इनका संबंध है। सॉरी, हाँ, ये अपने पास लवलीना बोरगोहेन ये आएगी बॉक्सिंग से, और रवि जाएगा इधर रेसलिंग में, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाए, बिल्कुल है राइट आंसर होगा, बिल्कुल फ्लैग बियरर भी था, बिल्कुल नायब तहसीलदार में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल हाँ जी ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं नायब तहसीलदार में, है ना। चले आगे, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, आपको चार बंदे दिए हैं और चारों का संबंध 2021 के नोबेल प्राइज से है। आपको ये बताना है कि इनको चारों को कौन कौन से क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिला है। हाँ, चारों को कौन कौन से क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिला है,
जल्दी से जल्दी आप मेरा, हाँ सर कौन सा पेपर डिस्कस हो रहा है प्लीज बताना सर, क्लास लेट ज्वाइन किया है। ये अभी हाल ही में एक पेपर हुआ था हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा, वो पे सर हरियाणा हाई कोर्ट के लिए मैराथन लगा दो, मेरा एग्जाम है 22 को। कोई बात नहीं लगाएंगे भाई। ये रमन ये वो स्कैम करने वाला पेपर नहीं है, ये पेपर है हिमाचल प्रदेश नायब तहसीलदार का। इसका राइट आंसर वापस क्या आएगा? डी। क्या आएगा? डी, डी फॉर डेवलपमेंट। क्या आंसर है? डी आंसर आएगा, चारों के चारों आप देख रहे हैं ना, नाम है डी आंसर। क्या आएगा? डी। देखो इसमें आपने एक आप लगा सकते थे दिमित्री, क्या नाम था, दिमित्री मूर्तदेव, क्योंकि इनको पीस के लिए मिला था। अगर आप डी के सामने दो लगाते तो आपका काम बन जाता और पीस का हमेशा याद रहता ही रहता है। क्या? पीस का हमेशा याद रहता रहता है। इसका राइट आंसर क्या आएगा? डी। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। प्रवीण का बिल्कुल सही आंसर हो चुका है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। प्रवीण का है, सचिन का ऊपर आंसर सही है। हाँ कोई बात नहीं, वैसे कोई दिक्कत नहीं। इसका राइट आंसर क्या आएगा? डी आएगा। क्या आएगा? डी। यहाँ पे आपका फेवरेट क्वेश्चन भी आएगा है, थोड़ी देर में आपका फेवरेट क्वेश्चन आने वाला है। ये रहा, ये चार व्यक्तियों के नाम दिए हैं आपके सामने, दिए हैं इन्होंने और बोला है कि चारों भारतीय मूल के हैं। क्या? चारों के चारों भारतीय मूल के हैं, लेकिन चारों के चारों अलग देश में काम कर रहे हैं, आपको मिलाना है। अनीता आनंद, ऋषि सुनक, कमला प्रसाद, प्रीति पटेल। मिला दो जल्दी से जल्दी। चारों भारतीय हैं और चारों अलग अलग देश में। हाँ ये तो भी मिला रहे हो, क्या ही बताए, वाह वाह, ये तो आपने मिला दिया, वास्तव में ही कमाल कर दिया भाई। हैं, ये तो आपने कतई शानदार काम किया भाई, मिला दिया आपने सबको, वेरी गुड, बिल्कुल सही मिला दिया आपने। क्योंकि ऋषि सुनक को पकड़ते हैं क्योंकि ये बंदा अभी चर्चा में है, लगातार चर्चा में है। तो ऋषि सुनक क्या थे? चीफ सेक्रेटरी ट्रेजरी थे यूके के। कहाँ के? यूके के। कहाँ के? यूके के। वास्तव में सभी का सही, एक बार अपने लिए क्लैपिंग कर लो कि आपने इसको बिल्कुल सही मिला दिया है। ठीक है, प्रीति पटेल ये भी यूके में है, कहां पे? ये यूके में थी, लेकिन ये क्या थी? होम सेक्रेटरी थी, वहां की गृह सचिव बनाई गई थी। क्या बनाई गई थी? वहां की गृह सचिव बनाई गई थी। अनीता आनंद यार बहुत फेमस नाम था ये, यहाँ पे थी, कहां पे? कनाडा है क्या? हाँ ये कनाडा में। और लास्ट में एक ही बचती है, कमला प्रसाद, ये थी हमारे TNT यानी त्रिनिदाद एंड टोबैगो में। और ये चारों के चारों, ये चारों के चारों क्या? भारतीय मूल के। वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई, शानदार, ये तो मान गए यार आपने, गजब मिला दिया भाई। वास्तव में कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि भविष्य में आप अगर तैयारी करना चाहो तो बिल्कुल इसके अंदर आप जा सकते हो। ऋषि को ही पकड़ा, ऋषि को ही पकड़ना है, बिल्कुल नया यही बना है अभी। चलो अब ये टोक्यो ओलंपिक हुआ था, क्या हुआ था? टोक्यो ओलंपिक हुआ था, उसमें चार कंट्री ने पदक जीते हैं। आपको चारों कंट्री को आपस में मिलाना है कि सबसे अधिक पदक किसके थे, किसके क्या पदक थे, जल्दी से जल्दी। हाँ जल्दी से जल्दी, आपने चेंज कराओ उसके साथ, ये चाहिए मेरे को भी, नहीं नहीं ये वाली। हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया, एक बार जल्दी से इसको भी मिला दो यार। देखो अब सर तुहाडे नाम बहुत फेमस हो गया जी, यू आर ग्रेट टीचर सर, छड चंडीगढ़ वाले स्टूडेंट आपकी क्लास के बहुत तारीफ करें,
यू आर ग्रेट सर। ओके भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत आभार। देखो देखो यार फेमस क्या होता है, देखो फेमस तब होते हैं जब आप बच्चे नौकरी लग के बोलो सर हमारा सक्सेस मिल गई हमारे को, है ना, क्योंकि सक्सेस मिलने के बिना कुछ भी नहीं है। और सक्सेस तभी मिलेगी जब आप अपने आप को एकदम पूरा डबो दोगे अपने पढ़ाई के अंदर, इतना पागल हो जाओगे ना पढ़ाई के प्रति, जब आपको कोई चीज सामने दिखाई दे और वहां पे कुछ ऐसा लिखा हो तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि यार क्वेश्चन क्या बनेगा इससे, है ना, इस हद तक इस पागलपन से आपने पढ़ाई करनी है। हाँ तो बता दो जल्दी से जल्दी मिला दीजिए क्या बनेगा। और मैं कहता हूं सबसे इजी, मैं आपको बताऊं सबसे इजी क्वेश्चन है, क्यों, क्योंकि अपने पकड़ते हैं चाइना को, आपको पता है यूएसए है नहीं, क्योंकि यूएसए ने पैरा ओलंपिक में टॉप किया था और चाइना ने ओलंपिक में टॉप किया, तो यूएसए अपने पास है नहीं, चलो चाइना को पकड़ते हैं, चाइना को पकड़ो जी यहाँ से, तो इसका मतलब चाइना ने सबसे ज्यादा जीते हैं और सबसे ज्यादा हमारे पास क्या है यहाँ पे 88 है, क्या है 88, इसका मतलब सी के सामने दो आएगा, तो सी के सामने दो आएगा, सी यहाँ एक है गलत है, यहाँ गलत है, यहाँ भी गलत है, तो एक ही ऑप्शन बचता था, क्या बचता था, एक ही ऑप्शन बचता था, लेकिन क्वेश्चन को करने का तरीका आना चाहिए, क्यों, क्योंकि अपने को पता था कि चाइना ने सबसे अधिक मेडल जीते हैं, हो सकता है कि अपने को यह याद नहीं कि चाइना ने मेडल कितने जीते हैं, लेकिन इतना तो पता था कि चाइना ने सबसे अधिक मेडल जीते हैं, तो चाइना ने कितने जीते 88, तो तीन के सामने क्या आ जाएगा दो आ जाएगा, तो एक ही ऑप्शन बचता है जहां पे दो आएगा, हाँ क्या आएगा दो, है ना। अब ये देखो मेरे को भी देखो हो सकता है पेपर में आपने आप भूल गए हो, है ना, आप सर जी तुसी भी टेलीग्राम चैनल बना लो भाई, बना हुआ है अरोड़ा क्लासेस का, मैं आपको उसका लिंक यहाँ पे टेस्ट करवा दूंगा थोड़ी देर में, ठीक है। देखो मैंने आपको ये बोला कि यहाँ पे अपने को पता नहीं किसने क्या जीता है, छोड़ो अपने को पता है चाइना ने सबसे अधिक जीते, यहाँ पे चाइना उठाओ यहाँ पे 88, और इतफाक से क्या हुआ एक ऑप्शन ऐसा था जहाँ पे सही हो गया, यहाँ पे क्या हो गया सही हो गया, तो जब आप कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी, थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ेगा यार, नहीं तो वो 245 ग्राम का किस काम का है। हाँ जी गुड इवनिंग सर, बिल्कुल जी गुड इवनिंग, है ना, तो अपने को थोड़ा दिमाग लगाना था, यहाँ पे बाहर तो होता तो अपने कर ही देते, एक गोल्ड है जी, दो ब्राउन्स कितने है चार है, सिल्वर कितने है दो है जी, टोटल सात है, कौन सा रैंक है जी 48, उसने बोला बाहर तो सारी दुनिया याद करेगी, बाहर तो सारी दुनिया याद करेगी, क्योंकि वहां पे पियोन नहीं बनाना, वहां पे नायब तहसीलदार का पेपर था, है ना, तो इसने क्या किया सारा सिस्टम से बना दिया, और आपका क्या हो गया बिल्कुल सही हुआ, क्योंकि जिस बंदे ने चाइना को उदाहरण लेते हुए किया उसका क्या हो गया सही हो गया, क्या हो गया उसका सही। चले आगे एक बार यहां तक बता दो, ओके रिपोर्ट है, थम्स अप कर दो, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी गुड इवनिंग, अगला क्वेश्चन। अब ये चार देश चार एक संस्था है, आपने इसमें से आपने एक संस्था का नाम मैंने आपको बहुत ज्यादा याद करवाया हुआ है, अब उस संस्था को पकड़ते हुए इस क्वेश्चन को आपने करना है, और आप इस क्वेश्चन को कीजिए। इसको करो, और बस मैंने बोला कि आपको थोड़ा पता लग जाना चाहिए कि सर हमने इसका नाम सुना था, उसी को आधार मानते हो आप, करो इसको। हाँ डी आंसर है डी डी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया भी डी आंसर हमारा बिल्कुल वाक्य में समझदार हो गया, देखो डी आंसर क्या हमारा सबका सही है, एक बार सारे क्लैपिंग कर दो, डी आंसर आपका सही है, क्यों अपने ज्यादा अपने और कुछ नहीं पढ़ा, अपने को पता था इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है गुरुग्राम में, कहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है गुरुग्राम में, तो इसके तीन के सामने क्या आएगा तीन आएगा, चलो कोई बात तीन के सामने तीन आएगा, चलो जी आप रेस्ट करो, आप भी रेस्ट करो, ठीक है। अब अपने को यह पता नहीं था कि और क्या होता है, लेकिन अपने एक नाम जरूर सुना है, क्या सुना है क्वाड, ये क्या सुना है क्वाड, देखो एक अपने क्वाड था जिसमें अपने पास सदस्य देश थे जापान
ऑस्ट्रेलिया, यूएसए और इंडिया। एक तो क्वाड अपने पास ये था, ठीक है, एक क्वाड अपने पास क्या था, ये क्वाड था, ठीक है। अब आपको पता है क्वाड था वो अलग बन गया था, वो क्या बन गया था, वो बन गया था I2U2। क्या बन गया था? I2U2। इसका मतलब है जहां पे दो तो आई आएंगे और दो क्या आएंगे, यू आएंगे। क्या आएंगे? दो तो आई आएंगे, दो यू आएंगे। तो कहां आए हैं? दो आई यहां पे आए, आई फॉर इंडिया, आई लव माय इंडिया, और आई फॉर इजराइल, यू फॉर यूएसए एंड यू फॉर यूएई। तो ये ऑप्शन आएगा, इसका मतलब डी के सामने दो आएगा, और डी के सामने जब दो आएगा तो अपने पास ऑप्शन ए ही बचेगा, क्या, चार नंबर। ऐसे पेपर को किया जाता है, पेपर को इतना इत्मीनान के साथ, इतना दिमाग पूरा का पूरा 200% पेपर में लगाना पड़ता है, पूरा का पूरा 100 नहीं 200% पेपर में दिमाग होगा ना, तब जाके क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। अब देखो हो गया ना, क्योंकि ऐसी तो कोई चीज होगी नहीं जो आपने कभी सुनी भी नहीं होगी, ऐसा कभी हुआ ही नहीं आज तक कि कोई चीज के बारे में आपने बिल्कुल नहीं सुना होगा, लेकिन तब फायदा मिलेगा जब आपको क्वाड के पुराने मेंबर पता होगा। पुराने पता था अपने पास क्या है, यूएसए था, इंडिया था, इसका मतलब दो तो ये रहेंगे रहेंगे, अब ये दो रहेंगे तो यहां से ऑप्शन आ जाता, क्या आएगा, दो नंबर, क्या आएगा। हाँ रमन ने कहा सर क्वाड से हो गया, वो तो रमन आप अपने को पता है क्वाड का, अब कईयों को क्वाड ही नहीं पता है, कईयों को क्वाड ही नहीं पता, तो वो तो कहेंगे सर क्वाड तो ये कोई खाने वाली, कोई स्टिंग तो नहीं है क्या पीने वाली, जो क्लास लगाते ही नहीं उनको तो ये लगेगा यार क्वाड क्या है। क्वाड बहुत इजी है, क्वाड बहुत पेपरों में आया है और आने वाले पेपरों में लगातार ये आएगा, क्या आएगा, लगातार आएगा। तो राइट आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, डी, डी फॉर डेवलपमेंट हो जाएगा, डी फॉर क्या हो जाएगा, डेवलपमेंट। ऐसे पेपर को किया जाता है, ये टेक्निक होती है एक अच्छे स्टूडेंट के द्वारा, पेपर को कैसे सॉल्व किया जाता है, ऐसे पेपर किया जाता है ना, ऐसे पेपर किया जाता है। अपने क्या करते हैं, अपने पेपर में पहले क्वेश्चन से लगे जी, जय जय, हाँ जी जी, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। पेपर में वो क्वेश्चन पहले किए जाते हैं जो आपने कभी सुने हुए होते हैं, जो आपने कभी सुने हुए होते हैं, उन क्वेश्चनों को पहले किया जाता है। पेपर कभी भी ऐसा नहीं होता पहले क्वेश्चन से लगातार लग गए, पेपर में पहले वो किए जाते हैं जिसके बारे में अपने को नॉलेज है। चलो आगे, ये आगे चार बंदे, और ये क्वेश्चन तो एक्चुअल में क्या थोड़ा सा और सब्जेक्ट का, लेकिन कोई बात नहीं, ये टाइप हो गया तो उन्होंने कर दिया तो कोई बात, इसका बता दो। हाँ मालाबार एक्सरसाइज होती है सर क्वाड कंट्री की, वेरी गुड हरदीप, बहुत ही बड़े सुपर शानदार। हाँ जल्दी बताओ इसका आंसर क्या आएगा, और ये तो आपने हमेशा ही सुने भाई इसके बारे में, तो मैं तो क्या बताऊं, ये तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, अब इसका इसका भी नहीं पता। थैंक यू सो मच सर, आप इतना डिटेल में करवाते हो तभी होते हैं क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है, बस आप वीडियो को लाइक और शेयर करते रहो और बताते रहो कि अरोड़ा क्लास पे इतना शानदार मटेरियल करवाया जाता है, ताकि जो लोग फर्जी करवाते हैं ना उनकी दुकानें बहुत जल्दी बंद हो जाए। हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बताओ बताओ, ये तो बिल्कुल एकदम जानकार सा क्वेश्चन है, इसमें तो कोई सोचने वाला काम ही नहीं है। प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन बचपन में सातवीं क्लास से पढ़ते आ रहे हो। हाँ अरे यार मेरे को ये ही आपने गलत कर दिया क्या, जय हो आपकी। अभी भी सोच लो, ये क्वेश्चन मेरे को लग रहा है आपने गलत कर दिया है। डी आंसर सही होगा, क्या होगा, डी आंसर होगा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, डी होगा, बिल्कुल डी होगा, है ना। कई ने मैंने कहा था इजी क्वेश्चन आप गलत कर दोगे, देखो
प्रोटॉन की खोज आपके सामने था, बिल्कुल सही है ना। तो डी आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। ए क्यों हो जाएगा भाई, है ए किस बिहाफ पर कर रहे हो। अगला क्वेश्चन देखो, ये रहा, चार बुक दी है और चार उसके सामने आपको राइटर दिए हैं, चारों को मिला दीजिए। लेकिन ये आप बहुत, मेरे को नहीं लगता कि आप मिला पाओगे, लेकिन फिर भी मैं वेट कर लेता हूं आपका। हाँ जल्दी से जल्दी मिला लीजिए फटाफट से। ये चार बुकें आपने सुनी है कभी बचपन में? आई थिंक, मुझे नहीं लगता सुनी है, नहीं सुनी है। चलो मैं आपको बता देता हूं, ये आपने शायद नहीं सुनी है। ये चार बुकें थी, एक बुक थी इजी ऑन द गीता, ये बुक लिखी थी अरविंदो घोष ने, ठीक है। दूसरी थी ऋग्वेद भाष्य भूमिका, ये लिखी थी स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। एक बुक थी तुहफात उल मुहम्मदीन, है ना, ये बुक किसने लिखी थी, राजा राम मोहन राय द्वारा लिखी गई थी। और एक था इशारा, ये लिखा था महात्मा ज्योतिबा फुले ने, महात्मा ज्योतिबा फुले ने। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी हो जाएगा। वेरी गुड, इसका जिसने आंसर सी दिया है, एक बार अपने लिए जोरदार क्लैपिंग कर लीजिए। अच्छा जूम करते हैं, लो जी फिनिश हो, ले लो जल्दी से फटाफट से। और अगला क्वेश्चन आप में से किसी का गलत नहीं होना चाहिए, ये आगे चार फेस्टिवल और चार राज्य है। क्या है, चार फेस्टिवल है और चार राज्य है, जल्दी से जल्दी। हाँ जल्दी से जल्दी, चार राज्य है और चार आपके सामने फेस्टिवल दिए हैं। क्वेश्चन में डाउट है तो अपने चेक कर लेंगे, आप तब तक आप चलो आगे। जल्दी से आंसर दो, इसका जो राइट आंसर हमारे पास क्या आएगा, तो देख लेते हैं। ये तो आपको करवाया बहुत ही बढ़िया, है ना, तो एक नंबर क्या होगा, राइट होगा। देख लेते हैं, देखो अपने को ये पता था कि बिहू कहाँ का है, बोगाली बिहू, कल ही बात की असम का जी। सी के सामने दो आएगा, तो सी के सामने दो आया, पेपर वाला बहुत दिमाग लगा रहा, दो कर दिया उसने, दोनों के दोनों उसने सही कर दिए। क्या कर दिए, दोनों सही। अब बस्तर दशहरा आपको बहुत बार तय हुआ था छत्तीसगढ़ का, चलो ये नहीं पता छोड़ो, ये तो पता था। उगाड़ी कहाँ का है, उगाड़ी कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का। एक के सामने तीन आएगा, एक के सामने क्या आएगा, तीन आएगा, एक के सामने तीन भी सही है, ये भी ठीक है। तो अब देख लेते हैं डी, डी क्या था, गोची, गोची है ना, मनाली का बहुत फेमस त्यौहार है हिमाचल प्रदेश, तो तब जाके इसका आंसर एक नंबर आएगा। क्या आएगा, एक नंबर। किस किस का सही हुआ, एक बार क्लैपिंग करो, क्लैपिंग करो सर। किस किस का सर, बस्तर नाम की जगह छत्तीसगढ़ में, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बस्तर एक बहुत ही ऐसी जगह थी जहां पर ये जो
बस्तर सुकमा यहाँ पे नक्सली हमले किए जाते हैं बहुत ज्यादा। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, एक नंबर। क्या हो जाएगा, एक नंबर हमारा बिल्कुल है राइट हो जाए। क्या हो जाएगा, एक नंबर हमारा बिल्कुल है राइट। अपने ये क्लैपिंग कर लो जल्दी फटाफट से जिसका सही हो गया है। मेरा सही हो गया सर, मेरा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, मेरा सही हुआ सर, मेरा सही हो गया सर, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया भाई। अगला देखो ये रहा, अब ये आपके सामने क्या दिए हुए हैं, चार ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स दिए हैं और ये चार स्टेट दिए हैं। इनमें से कई स्पोर्ट्स का नाम आपको क्लास में करवाया हुआ है, भले ही यूट्यूब हो भले ही ऑफलाइन हो। अब ये मिला दो, इसको मिला दो। अभी रोहित सर की क्लास स्टार्ट होने वाली है, एक क्वेश्चन और करेंगे उसके बाद आपने सबने वहीं चले जाना है फटाफट से। इसको मिला दो, और मिलाने के लिए किसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो आपने चीजें पढ़ी हुई है। अच्छा बस्तर आज ही क्लास भी दस्या सी, देखो आज ही क्लास में दस्या, तो इसका मतलब है आपका क्या होगा, सही होना ही था। और अभी तक भी जो वेट करे सर, लाइक उसको लाइक करे या नहीं करे कर दो फटाफट से। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सी आंसर क्या हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। देखो सी में क्या, ये जल्लीकट्टू अपने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, जल्लीकट्टू बहुत एक फेमस लड़ाई होती है कहां पे, तमिलनाडु में। सी के सामने दो आएंगे तो ये चला जाएगा, ये चला जाएगा। अब कंबाड़ा, इसका नाम सुना है, कंबाड़ा कहाँ की है, कर्नाटक की है। कहाँ की है, कर्नाटक। बी के सामने क्या आएगा, बी के सामने चार आएगा, तो एक ही ऑप्शन बचता था दो। हालांकि ये दो नहीं सुने होंगे आपने, कि मारा माठी बुल सर्फिंग और डोप खेल, दोनों आपने नहीं सुना होंगे, है ना। रोहित सर आ गए हैं सर ऑनलाइन, बिल्कुल भी रोहित सर ऑनलाइन आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। आज लास्ट क्वेश्चन करेंगे, इसके बाद क्लास को विराम दे देंगे। ये आपके सामने क्वेश्चन, ये चारों के चारों बजट पेश किए गए, उसमें चारों के लिए बजट एलोकेट किया गया। बता दीजिए आंसर क्या होगा सर। ऐप में कोई प्रॉब्लम आ रही है क्या? हाँ जी बिल्कुल प्रॉब्लम आ रही है, रात को 10-11 बजे तक सही हो जाएगी, ठीक है। समन कह रहे सर जल्लीकट्टू से किया, हाँ कोई बात नहीं, करना आंसर आना चाहिए, चाहे जल्लीकट्टू से आए चाहे कंबाड़ा से आए। सोमवार को शुरू हो जाएगी अवतार सिंह जी मॉर्निंग वाली क्लास। इसका राइट आंसर क्या आएगा हमारे पास, सी ऑप्शन आएगा। एक्चुअल में ये आपको पता नहीं है, कोई बात नहीं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जितना जल्दी हो सके, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो फटाफट से, क्योंकि ये आने वाले पेपरों के लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाले पेपरों के लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो स्क्रीनशॉट ले लो इनका जल्दी से जल्दी। हाँ सरदार गगनदीप सिंह कह रहे सर जल्लीकट्टू ते कंबाड़ा तो सोल्व किया, देखो सोल्व होना चाहिए, मैंने पहले ही कहा था कोई फर्क नहीं पड़ेगा, भले जल्लीकट्टू से करें भले किसी मर्जी से करें। हाँ जल वाले का बिल्कुल सही है, 60,000 करोड़ है जल जीवन मिशन, तो ए के सामने क्या आएगा अपने पास, ये क्या लगा निशान, ऑप्शन गलत लगा दिया क्या। हाँ जी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। नहीं अंजलि आज नहीं ली क्लास, आपको बताया था ऐप में प्रॉब्लम की वजह से आज क्लास है अपनी क्लास है नहीं लगी थी, ठीक है। अब आपका एक छोटा सा इतना दायित्व तो रहेगा कि आप क्लास के लास्ट में कमेंट जरूर करोगे क्लास पूरी होने के बाद में, कि सर ये क्वेश्चन का लेवल कैसा लगा। ओके
हाँ क्वेश्चन का लेवल आपको कैसा लगा? और आप में से कोई बच्चा देखो अभी देखो ये नायब तहसीलदार का पेपर था, आप चाहते हो कि सर हम डेली ऐसे क्वेश्चन करें, है ना, हमारा मन करता है सर हमारे को डेली ऐसे क्वेश्चन मिले, तो आप पटवारी कानून को पंजाब पुलिस नायब तहसीलदार आ रहे हैं हूँ बम्पर वैकेंसिया सिलेक्शन लेना है तो सब कुछ छड़ छड़ा के 21 नवंबर में बठिंडा चला जाओ, हूँ क्लास का हर विद्यार्थी होगा सिलेक्ट, आओ जान दे कि में। है ना। हाँ सर गड्डी विच भी तुहाड़ी वीडियो लेके सफर करें, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया भाई। देखो अरोड़ा क्लास से बठिंडा ध्यान रखो, जेकर ऑफलाइन वाले बैच 21 नवंबर आना है तो यारी दोस्ती थे गर्लफ्रेंड छड़ के आओ इतने, है अगर नाल भी लेके आओ तो दोनों कहो कि पहला नौकरी लगेंगे फिर कोई आगे गल्ला करांगे, ठीक है। हाँ इसके बाद देखो ये सारी टीम अरोड़ा क्लासेस की टीम है सारी पूरी जबरदस्त तरीके से मेहनत करती है, है ना, कभी एक वीडियो डालेंगे जिसमें आपको दिखाएंगे कितनी मेहनत करते हैं टीचर, कितना एक एक क्वेश्चन को तैयार करने के लिए कितनी सारी मेहनत लगती होगी, है ठीक है। अब देखो आपको लगता है कि सर हमने ये जो आप ये फेस्टिवल वगैरह हमने बहुत ज्यादा डिटेल में करने हैं, 200-250 फेस्टिवल करने हैं, तो एक जीके का स्टेटी जीके का ए पे कोर्स चल रहा है बिल्कुल कम, और ये टारगेट इसीलिए कि हर बच्चे के पास क्या पहुंचे, कोर्स पहुंचे, है ना। हाँ तो गर्लफ्रेंड का नाम लेते ही सारे बड़े खुश हो, ऐसे ने तो नहीं कहा कि सर इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे मनाते हैं, कब मनाते हैं 11 अक्टूबर को, है नेशनल गर्ल चाइल्ड डे कब मनाते हैं 24 जनवरी को, है सारों को ही। ये देखो अगर आपको लगता है कि जो मैं आपको क्वेश्चन आपके लिए कलेक्ट करके लेके आ रहा हूँ अच्छे क्वेश्चन है उससे आपको फायदा मिलता है तो आप मेरा ये कोड आप सजेस्ट कर सकते हो किसी को भी जब कोर्स ले, है ना, तो उस बच्चे को 300 रुपये का क्या फायदा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फायदा हो जाएगा, ठीक है, 300 रुपये क्या हो जाएगा इसमें फायदा आपको मिल जाएगा। अब इसके लिए करना क्या पड़ेगा, देखो सबसे पहले पता तो होना चाहिए कि करना क्या है, तो आपने सबसे पहले अरोड़ा क्लासेस की मोबाइल ऐप को डाउनलोड करना है, इसके बाद यहाँ पे नवंबर बैच 2022 फॉर पंजाब स्टेट एग्जाम इस पे जाना है, ठीक है। आईफोन यूजर है उसको डाउनलोड करना है माई इंस्टीट्यूट ऐप और फिल करना है ORGC कोड ARC। इसके बाद की बात करें आपको लगता है किसी भी प्रकार की 1% भी आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है तो आपने इन दो नंबरों पे कॉल कर लेना है और आपको सारे आपके सॉल्यूशन दूर किए जाएंगे, ठीक है। और मैं तो एक ही बात कहता हूँ कि अब आपको लगता है कि सच में यार इतनी मेहनत करवा रहे हैं तो आप कम से कम एक स्टूडेंट का ये दायित्व तो बनता है कि वो 4-5 बच्चों को ये पक्का पक्का बताए, है ना, कि यहाँ पे अरोड़ा क्लास में इतनी सारी मेहनत करवाई जा रही है और आप भी ज्वाइन करो, ठीक है सर आज मेरे मोस्टली क्वेश्चन सही हो गए और 2-3 गलत हो गए, कोई बात नहीं, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, जितना अभ्यास करोगे उतना ही आगे कंटिन्यू बढ़ोगे, ठीक है, ओके। एक बच्चे कमेंट, सर DRDO दे एग्जाम विच मोस्टली जीके तुहाडी वाली सी नाल सर ड्राइव कार ड्राइव कर रहे हैं ते नाल तुहाडी जीके वाली क्लास है, वेरी गुड, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत थैंक यू सो मच, है ना। और गगनदीप जी अगर आपको क्वेश्चन याद हो, है ना, अगर आपको क्वेश्चन याद हो तो आप एक काम करना कि फटाफट से क्या करना वो क्वेश्चन आप ऑफिस वाले नंबर पर भेज देना, सर गंगानगर कब आओगे, कल ही आ रहे हैं भाई, ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। अब रोहित सर की क्लास स्टार्ट हो गई है तो आप उस क्लास को ज्वाइन कीजिए, अरोड़ा सर की क्लास में आज सर रेल बनाएंगे सिंपल इंटरेस्ट की, है ना, तो आप सिंपल इंटरेस्ट की रेल मैं भी साथ में आऊँगा और आप सभी ने आना है वहाँ पे रेल बनाएंगे सिंपल इंटरेस्ट की, ओके, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखो क्योंकि सर्दियाँ स्टार्ट होगी, ओके, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।